योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरे स्टेडियम में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स पर योगी सरकार 2.0 का नारा भी दिया गया है। पोस्टर्स पर लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन सुरक्षा की, विकास की। योगी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उद्योगपति, साधु संत व समाज सेवी भी शिरकत करेंगे। इतने भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन, LDA, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस समेत सभी विभागों को शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सभी के नोडल अफसर बनाए गए हैं ताकि कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे राजनेताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम तक का इलाका 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबसे VVIP इलाका होगा। एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक हर चौराहे पर, गली पर साफ सफाई, सजावट की व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के पूरे रूट पर लगभग 5,000 छोटे बड़े गमले रखे गए हैं। ट्रैफिक के सिग्नल को ठीक कर दिया गया है। सड़कों पर रंग रोगन किया जा रहा है। चौराहे पर बने फव्वारों को गमलों और लाइटों से सजाया जा रहा है, जिसमें 2,000 से अधिक स्पाइनल लाइट, 200 से अधिक पेड़ों पर झालर की लाइटें लगाई गई हैं। लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम के पूरे इलाके को 12 ब्लॉक में विभाजित कर 4 अधिकारियों को तैनात किया है, जो पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था देखेंगे। पीएम मोदी का विशेष विमान इकाना स्टेडियम के ठीक पीछे बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। इसके अलावा 2 हेलीपैड पुलिस कंट्रोल रूम के पास बनाया गया है, जिसको जरूरत के अनुसार उपयोग में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.